हाँ जी, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस की इस क्लास में, जहाँ पे हम मैथ्स में प्रैक्टिस क्लास करेंगे आज। ये क्लास सेकंड है और ये DSSB सिलेक्शन सीरीज चल रही है हमारी। वैसे तो ये सिलेक्शन सीरीज काफ़ी कॉमन नेम हो गया है, बट कोई बात नहीं। इस पूरी सीरीज़ को हम उस प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे जिसमें 1000 क्वेश्चंस का हमारा प्लेलिस्ट का नाम है। 1000 क्वेश्चन जो पूरी सीरीज़ है उसमें ही ऐड करेंगे, ताकि आपको एक ही प्लेलिस्ट में 1000 क्वेश्चन मिल जाएं। और ये 1000 क्वेश्चन यानी कि उस प्लेलिस्ट में अगर 50 वीडियोस हो जाएंगी तो आप लोगों के 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही ये 50 वीडियो हो जाएंगी तो एक और नई प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसमें भी फिर से हम 1000 क्वेश्चन की जर्नी शुरुआत करेंगे, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पर सारे 1000 क्वेश्चन मिल जाएं। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो भी देख लीजिए। ये ना सोचना कि उनकी थंबनेल पे किसी और एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ है या फिर कोई और पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। जहाँ पे भी DSSB की बात है, कोई भी एग्ज़ाम है और मैथ्स की अगर बात है, पार्ट ए में कहें या फिर पूरी जनरल पेपर की बात कहें, TGT मैथ्स को छोड़ के, यानी कि उनका जो पार्ट बी होता है उसको छोड़ के, हर जगह मैथ्स कम्प्लीटली सेम है। चाहे फिर वो जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो हमारा हेड क्लर्क का एग्ज़ाम हो, या फिर TGT PGT स्टेनो कोई भी हो, तो आपकी मैथ्स सेम है। सभी को इसी प्लेलिस्ट से तैयारी करनी है। अगर आपने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस तो देख लीजिएगा। आगे आने वाली सभी वीडियोस पे भी आप अपना साथ जरूर देना। चलिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग साथ साथ सॉल्व करते चलिए, और जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सिंपल इंटरेस्ट का है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया कि अगर सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट 11% की है, 8 साल के लिए दिया गया है, और वहीं 9 साल के लिए दे दिया जाए तो 132 रुपये का डिफरेंस है। अगर ये यहाँ से मैं बात करूँ तो हमारा साफ पता चलता है कि 1 साल का, आप लोग पता है ना, देखो कोई भी इंटरेस्ट है उसको 8 साल के लिए दिया गया है, और उसी कोई भी प्रिंसिपल है उसको 8 साल के लिए दिया गया है तो कुछ ब्याज मिलता है। उसी प्रिंसिपल को हम 9 साल के लिए दे दें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? उतना, थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 132 रुपये दे रखा है, वो 132 रुपये दे रखा है। अब भाई 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है वो बताना है, क्योंकि 1 साल ही तो एक्स्ट्रा है ना। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है वो बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 11% है 8 साल के लिए और 11% है 9 साल के लिए। अगर हम इसको 1 साल में तब्दील करें, मान ले 100 रुपये की बात है, हमने 100 रुपये दिए, और 1 साल की अगर बात करेंगे और 11% के हिसाब से हमें कितना ब्याज मिलेगा? 11 रुपये मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 2 साल की बात करेंगे, 11% के हिसाब से ही हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 22 मिलेगा। ऐसे फिर अगले साल 33 मिलेगा, फिर 44 मिलेगा, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि अगर किसी भी 2 साल कॉन्सिक्यूटिव देखेंगे, 2 साल का इनका डिफरेंस कितना है? 11 रुपये ही मिलेगा एक्स्ट्रा। हमें कितना मिलेगा? 11 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। कब? जब हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये होगा, जब हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए? 11। 11 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 132 आनी चाहिए, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से? 12 आ जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। आप लोगों का आंसर क्लियर है। ये आपका वर्बली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। ज़्यादा आप लोगों को इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ भी नहीं थी, बट स्टिल किसी को अगर नहीं समझ में आया कि भाई ये 11 डिफरेंस कैसे आया है, तो एक बात ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर हमें कोई भी, मान लीजिए 100 रुपये देने थे और 11% के हिसाब से 8 साल पर कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे 88 का मिलेगा। वही 100 रुपये देने थे 11% के हिसाब से 9 साल के लिए, कितना ब्याज मिलेगा? 99 का ब्याज मिलेगा, 99 का इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11 का है, और वो 11 किसके बराबर दे रखा है हमें? 132 के। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो हमने माने थे, उसके हिसाब से डिफरेंस 11 होना चाहिए था। जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो कुछ और है, उसके हिसाब से आपका 132 रुपये डिफरेंस था। तो हमें एक्चुअल प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो यहाँ से वही कितना आया? 11 ही आया था। हमने भी वहीं पे दिखा दिया था कि 11 डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। आपका 1200 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक वृत्त है, एक सर्कल है,
और इसका जो सरकमफ्रेंस है यानी कि इसकी पूरी लंबाई कहें कितनी बनती है भाई सर्कल की, तो ये बनती है आपकी 2πr से, यानी कि सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। ये किसके बराबर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है एक, यानी कि हमारे पास एक वर्ग है और उसके परिमाप यानी कि पेरीमीटर, यानी कि अब इसकी सारी जो साइड है उनको जोड़ कर देंगे, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इनका जोड़ कर देंगे तो पेरीमीटर कितना होता है 4a, a इसकी साइड है। a किसके बराबर दे रखा है 88 के बराबर। यहां से हम r निकाल लेते हैं, क्यों r रेडियस क्यों निकालना है, हमें एरिया निकालना है सर्कल का और एरिया कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से हम फटाफट निकाल लेते हैं अपना 2, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 4 × 88, यहां से काट दो भाई से, 22 × 2 44 हो गया, 44 × 2 पे गया ये पूरा 88 पे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 7, रेडियस आ गया है 8 × 7। एरिया निकालना है यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 22/7 × 8 × 7 × 8 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 8 × 60 थी तो वो हमें निकालनी थी। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा जो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि 7 से हमने सीधा 7 को काट दिया, बाकी बचा हमारा कितना 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 × 7 = 56 × 8। इन सब का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 9856। आप लोगों का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर था ये, आप लोगों को आसानी से समझ में आया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। दो केस बताए गए हैं कि पहला जो केस है यानी कि ए केस है, उसमें बोला गया है कि भाई जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी हमारी 2800 रुपये। बी है, इसमें कॉस्ट प्राइस बोल दी गई है 3200 रुपये दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट हुआ है 16% का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस हो गया बेचारे को कितने का 8% का लॉस हो गया है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 2800 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट हुआ है 16 का, तो यानी कि 116/100। यहाँ से सेल प्राइस कितना आ जाएगा 3200 गुणा में लॉस हुआ है यानी कि 92, 100 - 8/100। तो रेशियो कितनी आ जाएगी इन दोनों की, SP1 और SP2 की जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी, ये 100 से 00, 00 से 00, यानी कि 28 × 116 = 32 × 92। अब इसमें आप काटा पीटी करेंगे तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा, थोड़ा बहुत मैं काट देता हूँ। यहाँ से हम 4 से काटेंगे तो 4 से हमारा कटेगा तो ये कितने पे जाएगा हमारा, ये 7 पे जाएगा। 4 से ही काटा हमने, ये कितने पे जाएगा हमारा, ये हमारा 8 पे जाएगा। और 116 को भी हम अगर 4 से ही काटेंगे तो ये हमारा कितने पे जाएगा 29 पे जाएगा, और 4 से यहाँ पे काटेंगे तो ये हमारा 2 पे जाएगा। तो अब और कुछ नहीं कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा 7 × 29 हो जाएगा 63, यानी कि 3, 6, 7, 14 यानी कि 203 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 18 = 184 के बराबर। तो ये रेशियो आप लोगों की यहाँ से आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 300 आर डिविजिबल बाय 7। तो इसको करने के आप लोगों के पास दो तरीके हैं, पहला तरीका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला मेथड, दूसरा तरीका होता है ट्रिक मेथड। दोनों ही मेथड आपको बता देता हूँ कि भाई पहला जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला मेथड है उसको कैसे करेंगे, उसमें क्या पता होना चाहिए, वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी क्या होता है। तो ये होता है कि मान लो आपके पास कोई एक नंबर सीरीज है यानी कि ए बी सी डी ऐसे चलता जाए और एंड तक कुछ भी है, हमारे पास वाई है। अब इन सब का जो डिफरेंस है ना वो बराबर होना चाहिए, मान लीजिए एक्स है सबका डिफरेंस, ए और बी के बीच का डिफरेंस एक्स है, बी और सी के बीच का डिफरेंस एक्स है, सी और डी के बीच का डिफरेंस एक्स है, तो ये हमारी जब डिफरेंस सेम होता है ना तब उसे कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे भी कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला केस ही बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे। बोला गया है कि आपको 1 से 300 तक, यानी कि जो पहला नंबर 1 से 300 के बीच में जो सबसे पहला नंबर होगा जो 7 से भाग जाएगा वो कौन सा होगा, वो 7 खुद होगा, उससे अगला होगा 14, उससे अगला होगा 21
और ऐसे चलते रहेंगे, अभी लास्ट नहीं पता, लास्ट नंबर भी निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, 300 ज्यादा है हमारा पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता सात से, तो 300 को सात से डिवाइड करने की कोशिश करी, तो ये तीन पे गया, ये हो गया हमारा 28, और फिर बचा हमारे पास 20, और ये हमारा जाएगा दो पे, यानी कि ये गया 14 पे, बचा रिमाइंडर 6। तो ये 6 रिमाइंडर है ना, ये एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब अगर हम 300 से 6 हटा देंगे, 300 में से हम 6 हटा देंगे, तो ये बचेगा 294, और 294 वो संख्या होगी जो पूरी पूरी भाग जाएगी किससे, सात से, वो पूरी पूरी भाग जाएगी सात से। तो आखिरी नंबर कौन सा हो जाएगा, 294, ये हो जाएगा जो सात से डिवाइड होता हुआ। यहाँ पे एपी बन रहा है, एपी का मतलब है कि जो पहली संख्या है वो कितनी है, जिसको ए कह देते हैं वो सात है, आखिरी संख्या जिसे हम एल कह देते हैं वो कितनी है, 294। अब नंबर निकालने, इसमें कितने नंबर्स हैं, तो उसे कहते हैं हम एन, जो कि हमें फाइंड करना है। और एपी का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आखिरी जो संख्या होती है ना, उसको फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं, ए प्लस में एन माइनस वन, जो नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ नंबर्स हैं, और डी, डी क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे सात और चौदह के बीच में डिफरेंस सात है, 14 और 21 के बीच में डिफरेंस 7 है, 21 और 28 के बीच में डिफरेंस 7 है, तो ये जो है ना संख्या S जो 7 आ रही है, ये होती है कॉमन डिफरेंस, जिसे D कहा जाता है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, N की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि L हमारा कितना है, 294 है, A कितना है, 7 है, N हमें निकालना ही है, और D कितना है हमारे पास, 7 है। तो माइनस करेंगे 294 में से 7 जाएगा, तो ये आ जाएगा 287, और यहाँ ये वाला सात आ जाएगा नीचे, 7/7 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये जाएगा हमारा 41 पर, ये पूरा का पूरा कट जाएगा हमारा 41 पर, तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई, 41, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 42। तो 42 ऐसी संख्याएं होंगी एक से 300 के बीच में, जो कि हमारी सात से पूरी तरह विभाजित होंगी, यानी कि डिवाइड हो जाएंगी। एपी वाला मेथड समझ में आ गया। ट्रिक मेथड क्या है, ट्रिक वाली जो चीज है वो भी बहुत इजी और आसान देय है, वो आप लोगों को एपी से कोई लेना देना नहीं है उसका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो आखिरी वाला नंबर है ना, उसको लिख दो भाई 300/7, इसका मॉड ले लो आप, ठीक है, यानी कि आपको नेचुरल वोल नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है डिवाइड होने के बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें से आप माइनस करो 1/7, क्योंकि जो पहली संख्या है जिन दोनों के बीच में निकालना था उसमें से माइनस कर दोगे, तो यहां से आपने जब 300 को डिवाइड करा सात से, 300 को डिवाइड करा सात से, 300 को जब आपने डिवाइड करा था सात से, तो ये हमारा 4 पे गया था 28, ये हमारा 20, तो ये गया हमारा 2 पे गया, यानी कि 14, ये जाएगा 6, फिर आप क्या करोगे डेसिमल लगा दोगे, ठीक है, आप क्या करोगे डेसिमल लगा दोगे, और उसके बाद एक जीरो ले आओगे आप, उसके बाद आपका ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 48। तो आपका जो वोल नंबर है ना, वो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 42, यहाँ पे पॉइंट वाली चीज छोड़ दो, यहाँ पे आपका ये 56 है, 42, यहाँ पे 42 ले आओगे, 300 को 7 से डिवाइड करा तो आप वोल नंबर लेके आओगे, तो वो 42 बनेगा आपका, 42 के अराउंड यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। जब वही बात आप करोगे, एक को सात से डिवाइड करोगे, तो ये क्या आएगा, 0. कुछ आएगा ना आपका, ये आपका 0. कुछ आएगा, तो आपको पूरा जो कंप्लीट वोल नंबर होता है ना वही लाना है, तो 42 माइनस जीरो करोगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 42। ये बात आप लोगों को समझ में आई, तो जो आपको नियरेस्ट वोल नंबर पे लेके आना है, तो ऐसे ही जब हमने 300 को 7 से डिवाइड करा तो हमारा 42 आया, 7 को 1 से करेंगे डिवाइड तो 0. कुछ आएगा, तो पॉइंट वाली चीज को हटा दी हमने, 0 ला दिया, तो 42 में से 0 जाएंगे, तो बचा हमारे पास 42। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे, ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक मेथड होता है, पहले वाला हमारा लॉन्ग एपी मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे, बोला गया है कि अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रिपेयरिंग एंड मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग। अगर रिपेयर करवा दी जाती है तो स्पीड कितनी हो जाती है, 54 किलोमीटर पर आवर। अगर रिपेयर नहीं करवाई जाती है तो स्पीड कितनी होती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एक्स किलोमीटर इन 6 hours आफ्टर रिपेयरिंग। ये रिपेयरिंग के बाद है, आफ्टर रिपेयरिंग, और ये है बिफोर रिपेयरिंग।
मरम्मत करवाने से पहले। 6 घंटे में टाइम बोला गया, 6 घंटे में। अगर 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल रही है, 6 घंटे में कितना चलेगी भाई? 6 घंटे में चलेगी ये 24 किलोमीटर। ये आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी हमारी एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 324 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर 3x किलोमीटर बिफोर रिपेयरिंग, यानी कि इसका 3 गुना डिस्टेंस जो है कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है आपका? टाइम आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 3x। स्पीड कितनी है भाई? 36 किलोमीटर पर आवर दी। अब एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, 3 × 324 अपॉन में 36, ठीक है। अब इसको आप 3 से काट दो, ये जाएगा हमारा 12 पे, और ये 12 से कटेगा कितने? 12 × 24, 24 और 8 = 84, 12 × 7 = 84, यानी कि 27। तो टाइम कितना लगेगा इसे? 27 आवर्स का। 27 घंटे का समय लगेगा 3 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अगर उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है तो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 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 दिस, ये कुछ नंबर है, इनका एससीएफ हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये नंबर ना डेसिमल के हैं, बट डेसिमल में हम एससीएफ कैसे फाइंड करें भाई? ये तो हमें फाइंड करना नहीं आता। अब इन डेसिमल वाली संख्याओं को हम फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो ये जो संख्याएं हो जाएंगी वो हो जाएगा 2197 अपॉन में 100, 1521 अपॉन में 100, 1690 ले लो क्योंकि अपॉन में 100 हो जाएगा तो आसान निकालना आसान हो जाएगा, 1859 अपॉन में 100 और 2028 अपॉन में 100। अब आप बोलोगे ये तो और मुश्किल हो गया भाई, अब एससीएफ कैसे निकालेंगे? तो अच्छा, एससीएफ निकालना ना फ्रैक्शन का बहुत आसान होता है। क्या होता है? एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो नीचे वाली जो संख्याएं हैं, यानी कि जो 100-100 हैं, इनका हमें क्या निकालना है? इनका तो एलसीएम निकालना है, और ऊपर जो है इनका हमें एससीएफ निकालना है। अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आया आप लोगों का। मैंने एससीएफ निकालने की ट्रिक आप लोगों को बताई हुई है, जिसको नहीं आती है वो एक बार देख लेगा कैसे आसानी से चुटकियों में आप लोग एससीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम मैं बता देता हूं आप लोगों का, सबका एलसीएम बराबर ही आएगा, यानी कि 100 ही आएगा। आपको एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, उसको 100 से डिवाइड करके फाइनल आंसर बताना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत आसान कर दिया है आप लोगों के लिए सवाल। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। बोला गया लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस यानी कि जिसमें दो साइड बराबर होती है और वो राइट एंगल भी है, यानी कि ये हमारा वो ट्रायंगल है, ये हमारा वो ट्रायंगल है। ये थोड़ा ढंग से नहीं बना है, दोबारा बना देते हैं इसे हम। ये राइट एंगल है और ये वाली साइड हमारी इस साइड के बराबर है, ठीक है। इस लार्जेस्ट साइड, ये वाली सबसे लंबी साइड है, इसको बोल दिया गया कितना? 30 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अब यहां पे ना कुछ लोग, कुछ साथी ये सोचने लगेंगे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये कुछ अलग होता होगा। नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को पता है ना क्या होता है? उस फॉर्मूले की, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूले की जो जरूरत है ना, वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की ही पड़ जाएगी। वो क्या होता है? 1/2 बेस इनटू में हाइट। ये जो है वो हमारी क्या है? ये बेस है, ये क्या है? हाइट है इस ट्रायंगल की, और बेस और हाइट तो हमारी बराबर ही है, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है कि भाई एच और बी की वैल्यू क्या होगी। वो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम होता है बी स्क्वायर प्लस में, यानी कि यहाँ पे आप एच और हाइपोटेन्यूज से कंफ्यूजन ना होना, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं।
आप हाइपोटेन्यूज और एस से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनकी वैल्यू इसको मैं ए कह देता हूँ। ठीक है, हाइट हमारी ए है, ये हमारा बेस है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर के। एच क्या है? ये एच है, ये एच है, और यहाँ पे भी मैं हाइट पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एच है, एच क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ये हमारा एच के, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया हमारा? 30, यानी 30 के स्क्वायर, यानी कि 30 के स्क्वायर के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा 900 के बराबर, और ए और बी की वैल्यू तो बराबर ही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर किसके बराबर? 900 के बराबर। तो यानी कि 2 ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 900 के बराबर। दो की यहाँ से हम काट देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 450 के बराबर। ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 450 के बराबर। अब इसको और स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ जाएगी। जब हमें एरिया बोला गया था 1/2, बेस कितना है हमारा? बी। हाइट कितनी है हमारी? ए। तो ये भी तो वही हो गया ना, 1/2 बी इंटू ए। बी और ए बराबर हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2, ए की कितनी वैल्यू है? 450। तो 450 का आधा कितना होता है? 225। आपका आंसर आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी। यहाँ पे दो चीज़ों को पता होना चाहिए था, एक तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा के हम अपना एरिया निकाल लेंथ निकाल सकते हैं बेस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 15। 10 संख्याएं हैं भाई, उनका जो एवरेज है ना वो कितना है? 15 है। अगर हर संख्या में प्लस 2 कर दिया जाए, हर संख्या में प्लस 2 कराए, हर संख्या में प्लस 2 कराए, हर संख्या में प्लस 2 कराए, तो अब न्यू एवरेज क्या होगा? इस क्वेश्चन में आप लोगों को पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसी बात बोल दी जाए कि हर संख्या में सेम नंबर जोड़ा जाता है, तो आप एवरेज में भी वही नंबर जोड़ देंगे, तो आपका न्यू एवरेज आ जाएगा, वो आपका न्यू एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये बात भी जान लीजिए आप। बेसिकली होता क्या है कि भाई आपका मान लीजिए 10 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है? 15 है। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा? 15 × 10। तो ये हो जाएगा आपका 150, 150 आपका सम हो जाएगा। अब हर संख्या को 2 जोड़ दिया गया है, अब हर संख्या में 2 जोड़ दिया गया है, तो यानी कि हर संख्या कितनी संख्या है? 10 है। हर संख्या में 2 जोड़े तो टोटल कितना ऐड करा गया है? 20 ऐड करा गया है। तो ये जो सम हो जाएगा ना, न्यू सम, वो कितना हो गया है भाई? 150 + 20, ये हो जाएगा आपका 170। अब आपका न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 170। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं? 10 हैं, डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा आपका 17। तो पहले आपका एवरेज 15 था, न्यू एवरेज आपकी हो जाएगी 17। तो जो चीज़ मैंने बताई कि अगर हर संख्या को जोड़ा गया है तो एवरेज में भी उतना ही जोड़ आ जाएगा, और वो आपकी न्यू एवरेज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर, अगर एक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, ए है इसमें हमने 5 जोड़ दिया, देन नंबर बिकम्स 112.5% ऑफ इटसेल्फ, 112.5% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 112.5% है, अपॉन में 100 कर दीजिए, इनटू में ए, ये हो जाएगी हमारी संख्या। ठीक है,
क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब क्या होगा कि भाई ए को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 112.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाई ए था, माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 100 का, ये हो जाएगा 112.5 ए माइनस 100 ए, तो ये हो जाएगा 12.5 ए, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। यहाँ से क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, 5 इज इक्वल्स टू 12.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब आप इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ है, मान लीजिए अब डेसिमल हटा दोगे, जीरो नीचे ले आओगे, तो उसके बाद जो सॉल्व करोगे वो होता ही है। बट हमने इसको भी सॉल्व करने का एक छोटा तरीका अपना रखा है। वो क्या अपना रखा है कि भाई हमें पता है कि 12.5 की परसेंटेज कितनी होती है, उसको फ्रैक्शन में बदलना हमें आता है, वो कितना होता है 1/8 होता है, वो कितना होता है 1/8। और 12.5 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वो यही तो होता है कि 12.5 अपॉन में 100 परसेंटेज, अगर जो परसेंटेज का साइन है उसे हटाएंगे तो अपॉन में 100 आता है, तो 12.5 अपॉन में 100 का मतलब कितना होता है, 1/8, 1/8। ठीक है, तो अब हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, 5 इक्वल्स टू 1/8 इंटू में ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स वाली बात होती है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना या फिर आपको कैलकुलेशन बताना, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन बताना, वो बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया कि ए बी कैन डू वर्क इन 12 और 18 दिन। ए कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है, 18 दिन में। और ए बी और सी ये तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में काम करते हैं। अब तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तीनों को एलसीएम कैसे लेंगे, फटाफट एलसीएम लेना भी आप लोगों को सिखा रखा है मैंने कि भाई पूरा पूरा यहाँ पे 18 लिख दो, सबसे बड़ी जो नंबर होता है उसको पूरा पूरा लिख दो। अब 18 में हमें पता है कि क्या होता है, 6 × 3 होता है। 12 में हमें पता है क्या होता है, 6 × 2 होता है। 18 में 6 × 3 होता है। 6 में क्या होता है, 6 × 1 होता है। ठीक है, इतनी बातें पता है हमें। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, अब पहले नंबर से शुरू हो जाओ, 12 से। 12 में क्या होता है, 6 × 2, बट हमने 18 ले रखा है, इसमें आ क्या क्या चुका है, 6 तो आ चुका है, 6 यहाँ पे भी आ चुका है, इसको काट दो, बचा क्या है, 2, उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब इस 6 में 18 तो पूरा का पूरा 18 आ गया, इस 6 में क्या होता है, 6 × 1, यहाँ पे 6 पहले ही ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो टोटल जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 36। वो कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम फटाफट एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो 12 इंटू में 3 होता है 36, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 18 इंटू में 2 होता है 36, तो एफिशिएंसी आ गई 2। ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 6 × 6 होता है, तो वो आ जाएगी 36, वो आ जाएगी 6 आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी। अब भाई अब हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो 3 + 2 + c किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो सी की जो एफिशिएंसी है ना वो कितनी हो जाएगी, 3 + 2 = 5, 5 में से 6 में से 5 जाएंगे 1, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 1। ठीक है, आपको एक चीज़ तो आती ही होगी, यहाँ से हमने क्या निकाल ली है, एफिशिएंसी निकाल ली है, टाइम इनटू में एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को पता होगी। अभी हमने निकाला कि टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होता है, जो हमने एलसीएम निकाला था वो कितना था, 36 था। टाइम कितना, वही तो निकालना है, हाउ मैनी डेज। एफिशिएंसी कितनी है, अभी निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी हमने, 1 एफिशिएंसी निकाली थी, किसकी निकाली थी, ये सी की थी, एफिशिएंसी ऑफ सी। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डेज, 36 दिन यहाँ पे सी को लगेंगे, सिर्फ अकेले सी को लगेंगे काम करने में। नेक्स्ट चलते हैं, इन व्हाट रेशियो ऑफ टी 130 पर केजी, एक टी है यानी कि 130 पर केजी की टी है और दूसरी टी है 150 पर केजी की,
उनको मिलाना है सो दैट अ मिक्सचर एट 162 पर केजी प्रॉफिट हो जाए उसे 20% का। ठीक है, बोला क्या गया है भाई, एक व्यापारी था उसके पास ना दो किस्म की चाय पत्ती थी, एक का दाम था 130 रुपये पर किलो और दूसरी का जो दाम था ना वो था 150 रुपये पर किलो। अब वो सोच रहा है कि भाई 130 वाली को महंगी करके बेचूंगा तो भाई लोगों को क्वालिटी नहीं पसंद आएगी, और 150 वाली को भी महंगी करके बेचूंगा तो मुनाफा नहीं होगा उतना मुझे, ठीक है, क्योंकि इतना महंगा नहीं करना ना कि भाई जो जनता खरीदे नहीं आ पाए। तो उसने क्या करा, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिला देता हूँ और उसको मैं बेच देता हूँ, सेल प्राइस कर देता हूँ कितना 162 का। ये जो दो चीज़ें थी ये कॉस्ट प्राइस पे थी, ये दोनों की उनकी लागत मूल्य थी, ठीक है। अब इन दोनों को किस रेशो में मिलाए कि भाई 162 रुपये पर बेचने पर उसको जो प्रॉफिट हो वो कितने का हो, 20% का हो, वो कितने का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो। यानी कि उसको जो मिलाने पर ना टोटल जो आपकी कॉस्ट प्राइस पड़नी चाहिए वो कितनी पड़नी चाहिए पहले तो वो निकालना होगा। क्यों, कई लोग क्या करेंगे ना वो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे 162 यहाँ पे लिखा और ये कर दिया माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 और माइनस ये इसको भी माइनस कर देंगे ये हो जाएगा हमारा 12, इन दोनों की रेशियो निकाल देंगे। नहीं, क्योंकि भाई 162 तो क्या है, ये है सेल प्राइस और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, रेशो जब भी निकालेंगे ना मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो सिमिलर चीज पे लगाएंगे, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो यहाँ पे भी हमें कॉस्ट प्राइस ही लगानी है, ठीक है। तो इसको हमें हटा देते हैं, अभी हमें जो नई चाय पत्ती बना दी ना, नई चाय पत्ती का मतलब है जो वो कर दिया, इन दोनों को मिला दिया और ये एक नया कंटेनर बना दिया, अब इसकी कितनी लागत लगी होगी ये भी तो पता लगना चाहिए ना भाई, ये दोनों मिक्स तो कर दिए और मैं लागत मूल्य ही कहीं पता ना लग पाऊं तो उस पर प्रॉफिट कितना कमा पाऊंगा ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी जो ये मिक्सचर होगा वो कैसे आएगा, क्योंकि जब हमें पता है प्रॉफिट दे रखा 20% का यानी कि 1/5 का, यानी कि 5 की चीज उसने 6 में बेच दी है, 5 की चीज उसने 6 में बेच दी है, एक्चुअली बेची कितनी है 162 की में बेची है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 27 से, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी 35 और 2 135 के बराबर। तो जो कॉस्ट प्राइस होगी ना उस मिक्सचर की वो कितनी होगी 135 रुपये, 135 पे वो 20% का मुनाफा कमाएगा और उसको 162 रुपये में बेच देगा। इतनी बातें हमारी क्लियर होगी, बट अभी भी हमें ये नहीं पता कि भाई किस रेशो में मिलाऊंगा मैं। तो रेशो में मिलाने के लिए ये एलिगेशन वाला मेथड होता है, 135 में से 130 हमें माइनस करने होते हैं, ये आ जाएगा 5, 150 में से हमें 135 माइनस करने होंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा हमारा 3:1, ये कितना हो जाएगा 3:1, 3:1 कैसे आया, 5 से काट दिया इसे, ये गया 3 पर, ये गया 1 पर, तो ये आ गया हमारा 3:1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, बोला गया 2 नंबर आर इन अ रेशियो 2:3, ए और बी दो नंबर हैं, ये इनकी रेशियो 2:3 है। बोला गया इफ देयर सम इज 20 देन व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी कि इन दोनों का अगर सम यानी कि ए प्लस बी कितना है 20 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा वो हमें पता लगाना है। ए की वैल्यू कितनी है भाई 2x है, यहाँ पे यूनिट एक्स नहीं लिखना तो यूनिट लिख लो, एक्स से लोगों को डर लगता है तो आप यहाँ पे यूनिट लिख लीजिए, 2 यूनिट प्लस में 3 यूनिट किसके बराबर है 20 के बराबर, क्यों जो सम दे रखा है ना हमें ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट किसके बराबर है 20 के, तो यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इसका मतलब ए की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 8 है और बी की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 12, यानी कि जो दो नंबर हमें दे रखे हैं वो क्या क्या है 8 है और 12 है, दो नंबर हमें क्या क्या दे रखे हैं 8 और 12, वो कैसे लेके आए हम, इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी 2 से, इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, तो ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 12, दो नंबर हमें पता चल गया, अब ए और बी का स्क्वायर हम फटाफट निकाल देंगे।
ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, ये किसके बराबर हो जाएगा 8, 208 के बराबर हो जाएगा। ये आपका 208 के बराबर ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 1386, हाइट ऑफ कोन इज 54 सेंटीमीटर। इफ कोन इज मेल्टेड एंड फॉर्म अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी हेमिस्फेयर विल बी फॉर्म्ड। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है कि एक कोन था। कोन मतलब हु नहीं, यहां पे हो जाएगा कोन, ठीक है। ये आपकी आइसक्रीम का कोन है जिसको उल्टा करके रखा हुआ है। गर्मी आ गई है तो ढेर सारी आइसक्रीम जरूर खाइएगा आप। ये आपका रेडियस है, ठीक है। इसको क्या करा गया है, मेल्ट करा गया है और हेमिस्फेयर में बदल दिया गया है। हेमिस्फेयर क्या होते हैं, एक गोले को पूरा का पूरा काट दो, ठीक है। अब भाई इसका जो वॉल्यूम था ना वो एक हेमिस्फेयर जितना नहीं था, बहुत सारे हेमिस्फेयर इससे बनेंगे। तो ऐसे करके अनगिनत हेमिस्फेयर, अनगिनत यानी कि अभी हमें पता नहीं है कितने हैं, तो जिनकी गिनती नहीं करी अभी, उतने सारे हेमिस्फेयर बन जाएंगे। इसको पिघलाया और इसमें तब्दील कर दिया गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। नीचे का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ बेस वो किसके बार बता दिया गया है, 1386। और कोन की जो हाइट है वो बता दी गई है 54। अब हमें इस कोन को उठा के हेमिस्फेयर में बदलना है। जब भी कभी एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या सेम रहता है भाई, वॉल्यूम सेम रहता है। इस बात का एग्जाम्पल कैसे है कि भाई आप एक गिलास में पानी लो और उसी पानी को आप फ्लास्क में डाल दो, ठीक है। और ये ऊपर तक पानी भरा था, इस फ्लास्क में डाल दो और ये भी पानी में ऊपर तक भर गया, तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो इसकी कैपेसिटी के बराबर हो गई। तो क्या बराबर हुआ है दोनों का, वॉल्यूम बराबर हो गया है। शेप चेंज हुआ था पर वॉल्यूम इक्वल रहा है। तो वही चीज है, अगर एक चीज को दूसरी चीज में बदलते हैं तो हमारा क्या बराबर रहता है, वॉल्यूम बराबर रहता है, ठीक है। चलिए अब हम वॉल्यूम से इसको इक्वेट कर लेंगे, तब हमें सारी चीजें जो भी पूछी गई हैं वो हमारी निकल आएगी। अब हमें निकालना क्या होगा, यहाँ पे हमें निकालना होगा पहले तो रेडियस निकालना होगा। क्यों भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है हमारा 1/3 πr² h, ये होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये कितना होता है, ये होता है 2/3 πr³, ठीक है। अब ये दोनों r अलग अलग होंगे तो इसको r1 और इसको हम r2 बोल देंगे। नंबर ऑफ हेमिस्फेयर निकालने हैं, नंबर ऑफ हेमिस्फेयर ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन को वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से डिवाइड करना होगा। कैसे, 1/3 πr² h अपॉन में 2/3 πr², ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, फिर भी हमें h की वैल्यू तो दे रखी है, r की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। r मैं निकाल देता हूँ, बाकी का आप लोग सॉल्व कर देना, ठीक है। तो r कैसे आएगा भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, वैसे तो बेसिकली हमें करना नहीं था, एरिया क्या होता है वही बता देता हूँ। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो r नहीं निकालते हम, क्या करते हैं अभी पाई को ना काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं वो आप देख लेना, ध्यान से समझ में आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ 3 को काट दिया है और ये नीचे वाला 3 कट गया है, इतना रह गया अभी हमारा, ठीक है। ये हमने काटने के बाद करा है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस कितना होता है, सर्कल है नीचे तो पाई आर स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, 1386 के बराबर। हमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की ही तो वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए ना आप, 1386 × 54, और दूसरे का जो रेडियस है वो 3 दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 22 / 7 × 27, ठीक है। 2 × 22 / 7 × 27, क्यों, आर क्यूब हमारा
तीन का क्यूब 27 होता है। अब इसको आप पूरे को काट दोगे तो 27 से कटेगा, 27 से कटेगा ये दो पर, दो से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। 22 से 1386 भी आपका कट जाएगा, ये कटेगा आपका 63 पर कट जाएगा। तो नंबर ऑफ हेम स्क्वायर कितना आ जाएगा, 63 और इंटू में एक सात था, ये सात आ जाएगा, तो हो जाएगा सात ये 21 और 6 42 फोर 42 और दो 441। नंबर ऑफ हेमिस्फेयर आपके आ गए 441, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका। तो इस तरीके से हमने रेडियस निकालने की बजाय पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी रख दी, ताकि हमें ज्यादा यहाँ, क्योंकि होता क्या, यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ता आर, फिर यहाँ से फिर हमें आर की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती, उससे अच्छा एक जगह ही हमने सॉल्व कर लिया ताकि हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सोचा था कि आपको वो होमवर्क दूंगा बट मैंने ही सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिल डोनेट्स 30% ऑफ इनकम, मान लीजिए उसके पास टोटल इनकम थी 100 रुपये थी, उसने 30% क्या कर दी है, डोनेट कर दी है, ये क्या कर दी है, डोनेट। 100 का 30% कितना होता है भाई, 30 होता है, बच गया कितना उसके पास, अब बच गया है 70 रुपये बच गए हैं। अब क्या बच गया है, डिपॉजिट 70% ऑफ रिमाइंडर, यानी कि जो रिमाइंडर था ना वो ये था, वो बचा है 70। अब 70 का 70% तो 70 का 70% कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये उसने क्या कर दिया है, बैंक में जमा कर दिया है। अब 70 में से 49 गएंगे तो ये कितना रिमाइंडर, नेक्स्ट रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, वो बच जाएगा 70 में से 49 गए तो 21 बच गया उसके पास, 21 बच गया। इफ ही हैज 9765 नाउ देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ अनिल, 21 जो ये बचा है ना, इसकी वैल्यू जो दे रखी है ना, वो दे रखी है 9765। क्या दे रखी है वैल्यू, 9765 दे रखी है। आपको क्या बतानी है कि 100 की वैल्यू क्या होगी, आपको इनकम बतानी है ना, इनकम तो हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, कैलकुलेट करना है आप लोगों को, 21 से काटना है 9765, यानी कि एक की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या वैल्यू होगी, फटाफट कमेंट करके बताएं। आपके पास दो क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में दिए हैं, दूसरा भी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करने को दिया है। अगला क्वेश्चन, अ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, इफ इट्स स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड इज 10 किलोमीटर। यानी कि एक नाव है, उसकी गति कितनी दे रखी है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दे रखी है। डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे जाते हुए उसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर। पहले कितनी थी, 8 थी ना, ये 3 नहीं थी, 8, 12 किलोमीटर। आपको पता है नीचे जाते हुए क्या जुड़ जाता है, स्पीड ऑफ वाटर, स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति जुड़ जाती है नीचे जाते हुए। तो यहां से यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, उसकी एक्चुअल बोट की स्पीड कितनी थी, 8 थी, नीचे जाते हुए 12 हो गई, तो स्पीड किसकी जुड़ी है, धारा की यानी कि स्ट्रीम की, तो वो कितनी हो गई आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई। अब उसने बोला है देन इट्स अपस्ट्रीम, ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते हुए क्या स्पीड होगी, ऊपर जाते हुए क्या होता है, वी माइनस यू, यानी कि 8 माइनस 4 कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है, जो कि इसने बोला है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है, पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई, ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एट 8 AM, ए जो है वो पॉइंट पी है, ये उससे ए की बात करेंगे तो वो कितने बजे शुरू होता, 8 बजे। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बी कितने बजे शुरू होता है, पी ही पॉइंट से होता है, 10 बजे शुरू होता है, उसकी स्पीड कितनी है, 75। बोला गया है कि बी ए को 2 बजे पकड़ लेगा, बी ए को 2 बजे पकड़ लेगा।
अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना, यानी कि एक यहाँ पे चल रहा है दूसरा भी यहाँ पे चल रहा है, तो जो दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है ना, रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाती है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, यानी कि 75-50 दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो ये कितनी हो जाती है रिलेटिव स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यानी कि पहले की दूसरे की स्पीड पहले के मुकाबले कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब भाई पहला 8 बजे चला था, दूसरा चला 10 बजे, और दोनों के बीच में कितना टाइम गैप आ गया, ये आ गया 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम गैप आ गया है, ठीक बात है भाई। अब यानी कि इस 2 घंटे के दौरान जो ए है ना, उसने दूरी कितनी तय कर दी होगी, 100 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में वो 50 चल रहा है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर। हुआ क्या, यानी कि जब बी चलना शुरू हुआ तो ए जो है वो ऑलरेडी 100 किलोमीटर आगे पहुंच गया था। अब बी को ए को पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी है उसके पास, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड कितनी है, 25, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 25, तो टाइम कितना लगेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 4 घंटे लगेंगे उसे। वो कितने बजे चला था, बी 10 बजे चला था, और 4 घंटे बाद कितने बजेंगे, 2 बजेंगे। 4 घंटे बाद कितने बजेंगे, 2 बजेंगे। 2 बजे वो बी को पकड़ लेगा, ओ सॉरी, ए को पकड़ लेगा, बी की बात हो रही थी ना, तो ए को वो पकड़ लेगा। क्लियर है ये बात, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई हमने ये चीज कैसे करी है, कि वो चला था 10 बजे, उसको दूरी तय करनी थी 100 किलोमीटर की, स्पीड उसकी 25, क्योंकि उसकी स्पीड 75 थी, ज्यादा थी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई उसकी, 25 हो गई। तो टाइम कितना लगेगा उसे, 4 घंटे का टाइम लगेगा उसे पकड़ने में, तो 4 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ये बार ग्राफ का आपका क्वेश्चन है, बोला गया है कि भाई J1 क्या है, एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम 2002 से 2006, एवरेज अमाउंट, यानी कि इन्वेस्टेड क्या है, ये जो व्हाइट वाली बार है ये इन्वेस्टेड है, 120 प्लस में 225 प्लस में 375 प्लस में 330 प्लस में 525, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1575 अपॉन में कितना है, 1 2 3 4 5, ये आपका J1 हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज है, तो ये आ जाएगा आपका 315, 315 एवरेज आ गई। J1 की वैल्यू कितनी आ गई, 315 आ गई। अब J2 की वैल्यू क्या है, एवरेज सेल्स ऑफ गुड, एवरेज सेल्स, सेल्स कितनी है हमारी, 200 प्लस में 300, 500, 500, 500, 1000, 1000 और 400, 600, 1000, यानी कि 2000 अपॉन में एवरेज है, तो ये अगेन 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000 था ये, जो हो जाएगा 400, ये कित क्या हो जाएगी, J2। अब बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द वैल्यू ऑफ सेल्स इन 2005, ये J3 है, J3 में, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड वैल्यू ऑफ सेल्स, तो J3 क्या है, सिर्फ 2005 की बात कर रहा है J3, तो यानी कि 400 में से 330 माइनस करेंगे, ये है 70, ये है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ J2 माइनस J1 प्लस J3, J2 कितना है भाई, 400, J3 कितना है, 70 है, माइनस क्या करना है, J1, J1 कितना है, 315। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 155, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरीके के ही आपके DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे दो, और उसके साथ एक आपका टेबल वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो DI के टोटल आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई कम से कम दो क्वेश्चन तो आपको DI के मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क रखता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा, आप लोगों को एक करने का भी आपको अंदाजा होगा कि भाई डीआई कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ये आप लोगों से नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और एक स्टेटमेंट ये है एक स्टेटमेंट ये है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है सॉल्व करना। बाकी के पहले दो होमवर्क नहीं सॉल्व करे तो भी चलेगा, पर ये क्वेश्चन नंबर 17 जो होमवर्क है ये जरूर सॉल्व करना, आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि नहीं सॉल्व हुआ, फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आखिरी के दो क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट इन्हें निपटा देते हैं हम। बोला गया इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन इनकम ऑफ बी इज 30% मोर देन इनकम ऑफ सी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ ए। यानी कि मान लेते हैं सी की जो इनकम है ना वो 100 रुपये है, अब बी की जो इनकम है ना वो सी से 30% ज्यादा है, बी की इनकम 20 हो जाएगी, ए की इनकम क्या है 20% ज्यादा है बी से, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 130 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन में 100, ये कट जाएंगे, बी की जो इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 156, वो आ जाएगी 156। अब बोला गया जो सी की इनकम है वो कितनी परसेंट कम है ए से, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता ना ई 56 का, तो बहुत सारे लोग ना 56 कर देते, कैसे बोलते ये 100 है इसकी 156 है तो कितनी कम है 56, तो 56% कम होगी, बट ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इस बात को ध्यान से देखना, ठीक है। अब बोला गया इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ ए, तो ए माइनस सी अपॉन में क्या आएगा, सी नहीं आएगा, अपॉन में किससे कम है, किससे ए से कम है ना, तो अपॉन में ए इनटू में 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 156 में से 100 जाएंगे तो 56 अपॉन में 156 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का आंसर आ जाएगा 36 के अराउंड आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 36% अप्रोक्सीमेटली 36% सी कम है ए से, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, 56 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे भाई, फटाफट करेंगे कि यहाँ पे है हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो हम इसको पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, 7 अपॉन में 100 का स्क्वायर प्लस में 24 अपॉन में 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 49 अपॉन में 100 का स्क्वायर है उसको आप लिख लीजिए प्लस में 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 अपॉन में, इसका पूरे का अंडर रूट है। अब 49 प्लस में 576 करेंगे तो ये हो जाएगा 625 अपॉन में और अंडर रूट, ये डिवाइडेड बाय 25 तो चला ही आ रहा है, 625 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 10,000 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 25 है तो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1/25, तो 25 से 25 कट गया, आंसर आपका आ जाएगा 0.01, क्योंकि अपॉन में 100 था, फ्रैक्शन को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो 0.01 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4000, 4000 पे मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2600 रुपये, ये सेल प्राइस है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि ये डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट कितना गिवन है, डिस्काउंट गिवन है आप लोगों का 1400 रुपये डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस इनटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट कितना है 1400, मार्क्ड प्राइस कितना है 4000 गुणा में 100, 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, ये जाएगा हमारा 10 पे, ये जाएगा हमारा 25 पे, 25 कटेगा 5 से, ये कटेगा 2 से, 2 कटा ये 7 पे, तो ये आप लोगों का आया है 35% का
डिस्काउंट गिवन है। ये कितना डिस्काउंट गिवन है? 35% का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के 20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वो जानबूझ के होमवर्क दिया है ताकि आप लोगों को डीआई सॉल्व करने में पता चले, प्रैक्टिस हो, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर सॉल्व करेंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई क्लास में। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की मैं कोशिश करता हूँ, इससे क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाती है, बट आप ये जानिए कि ये आप लोगों के लिए ही है। मैं तो चाहे इसको फटाफट सॉल्व करके आप लोगों के सामने रख दूँ, उससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी कि आप क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में अटक रहे हैं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मेरे साथ मेरी वीडियो में दिख रहे हैं, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप लोगों का एग्ज़ाम में वो अप्लाई कर पाओगे। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद।